वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसका मैंने एक पार्ट बनाया है जो कि प्रेजेंट इनडेफिनेट को पास्ट इनडेफिनेट में चेंज कर देते हैं। आज इस वीडियो में लेके आई हूँ उसी के आगे का नेक्स्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख रखी हैं, और इन चीज़ों को आपको चेंज करना होता है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको चेंज कर रहे होते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है शालिमा और आप देख रहे हैं लर्न विद शालिमा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम लोग जब इनडायरेक्ट वे में उसको चेंज कर रहे होते हैं तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये भी उन्हीं के साथ चेंज होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं ये क्या है। जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो नाउ की जगह पे हम लोग उसको चेंज कर देते हैं देन में, उसके बाद हेयर आफ्टर को चेंज कर देते हैं देयर आफ्टर में, दिस को चेंज कर देते हैं अगर कोई सेंटेंस बना हुआ है डायरेक्ट में और उसमें दिस का यूज हो रहा है तो उसकी जगह पे जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो वहां पे दिस की जगह पे हम लोग दैट का यूज करते हैं। सेम उसी तरह हम लोग दिस की जगह पे दोस का यूज करते हैं, देन दस की जगह पे सो का यूज करते हैं। जब अगर टू डे लिखा होगा कहीं पे भी और आप उसको इनडायरेक्ट वे में चेंज कर रहे होंगे तो टू डे की जगह पे दैट डे हो जाएगा, टू नाइट की जगह पे दैट नाइट हो जाएगा, लास्ट नाइट की जगह पे द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, या इसके आगे डे या फिर कुछ भी लिखा होगा तो जैसे लास्ट डे होगा तो फिर द प्रीवियस डे हो जाएगा, अगर लास्ट नाइट लिखा है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। देन सेम एज इट इज यस्टरडे है, इफ देयर इज अ यस्टरडे देन यू हैव टू चेंज इनटू द डे बिफोर और यू कैन चेंज द प्रीवियस डे। आप इसको दो तरह से भी चेंज कर सकते हैं यस्टरडे को, एक इस तरह से द डे बिफोर और या फिर द प्रीवियस डे में भी इसको चेंज कर सकते हैं। सेम उसी तरह अगर टुमारो दिया हुआ है तो टुमारो को हम लोग चेंज कर देते हैं द नेक्स्ट डे या फिर उसको चेंज कर देते हैं द फॉलोइंग डे। इसको भी दो तरह से चेंज कर सकते हैं, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे। तो बढ़ते हैं इसी के साथ, कुछ और वर्ड्स हैं उनको भी देखते हैं। सो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स हैं, लास्ट वीक का हो जाएगा द वीक बिफोर और द प्रीवियस वीक, वैसे ही सेम नेक्स्ट वीक का हो जाएगा द नेक्स्ट वीक आफ्टर और द फॉलोइंग वीक, हीथर का हो जाएगा टीथर एंड हेंस का हो जाएगा थेंस। तो आप अगर इसको याद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि जब तक आपको ये याद नहीं होगा आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे और आपका जो सेंटेंस होगा वो रॉन्ग हो जाएगा अगर आप इसको चेंज नहीं करते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो मैंने कल आपसे बात की थी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट इनडेफिनेट का अगर कोई सेंटेंस है और उसको हम इनडायरेक्ट वे में चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम किस चीज़ में चेंज कर देते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे उसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर देते हैं, पास्ट इनडेफिनेट में चेंज कर देते हैं। ओके, शी सेड आई ईट फूड, उसने कहा मैं खाना खाती हूं। तो इसको अगर हम लोग चेंज करना है इनडायरेक्ट वे में तो प्रेजेंट इनडेफिनेट है अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा इसको चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कल कि जो ये कोटेशन मार्क्स होते हैं और ये कॉमास होते हैं जब हम लोग इनडायरेक्ट वे में चेंज कर रहे होते हैं तो उस चीज को वहां से रिमूव कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं दैट से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, शी सेड दैट, और इसके बाद यहाँ पे ईट है तो ईट की सेकंड को हमने पास्ट इनडेफिनेट में चेंज कर दिया है। शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद है आई वॉन्ट टू गो नाउ। अब यहाँ पे नाउ का यूज हो रहा है, जैसे कि भी मैंने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बताया आपको कि जब अगर नाउ है और आप उसको इनडायरेक्ट वे में चेंज कर रहे हैं तो जो नाउ की जगह पे क्या चेंज हो जाता है, देन का यूज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी सेड और कोटेशन मार्क की जगह पे दैट आ जाएगा, उसके बाद शी वॉन्टेड, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ट है, वॉन्ट क्या है, फर्स्ट फॉर्म है और हम लोग पास्ट डेफिनेट में चेंज कर रहे हैं तो पास्ट इनडेफिनेट में क्या हो जाएगा, वॉन्टेड टू गो देन।
अब नाउ की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा, देन आ जाएगा यहाँ पे सेम एज इट इज। अगर हम लोग प्रेजेंट, ये रही आपकी प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात, जो कि प्रेजेंट इनडेफिनेट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा कि जब प्रेजेंट इनडेफिनेट का कोई सेंटेंस आ रहा है आपके पास एग्जाम में, तो आप उस चीज को किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट इनडेफिनेट में चेंज कर देंगे। और जो मैंने आपको शुरुआत में जो वर्ड्स बताए थे उनको बहुत ज्यादा अपने माइंड में रखने की जरूरत है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट वे में उनका भी चेंज होता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो आप उसको किस चीज में चेंज कर देंगे, उसको आप पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज कर देंगे, मींस कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, यहाँ पे दिया हुआ है ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम वेटिंग फॉर समवन, उसने कहा कि मैं किसी का वेट कर रहा हूं। तो अब इसको अगर कोई दूसरा इंसान किसी और से बोलेगा वो कैसे बोलेगा, ही सेड दैट आई वॉज, क्योंकि इसको हम लोग जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसको हम चेंज कर रहे हैं किस चीज में, पास्ट में चेंज कर रहे हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव में चेंज कर रहे हैं। तो पास्ट, तो आई एम की जगह पे क्या हो जाएगा, वॉज, आई वॉज वेटिंग फॉर समवन। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, शी सेड कॉमा कोटेशन मार्क I am going today. अब यहाँ पे टुडे की बात हो रही है, और मैंने आपको बताया था बिगिनिंग में कि जब टुडे, नाउ इन सब की बात हो रही होती है तो उनको भी हम लोग इनडायरेक्ट वे में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे she said that I was going that day. तो टुडे की जगह पे क्या यूज हो जाएगा, that day. एक और चीज मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, जो आप लोगों के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता रहता है कि अगर सेड है तो हम लोग उसकी जगह पे टोल्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूं। जब भी कभी सेड अगर लिखा है सिर्फ, तो वहां पे आपका सेड ही रहेगा। बट अगर सेड के आगे कोई ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, सपोज दैट यहाँ पे शी सेड लिखा हुआ है और इसके आगे कॉमा से पहले ही, जो ये कॉमा यहाँ पे लगा होता है सेड के बाद, इससे पहले मतलब सेड के बाद अगर कोई चीज लिखी हुई है, सपोज दैट लिखा हुआ है शी सेड टू मी और उसके बाद कॉमा लगा है, फिर कोटेशन मार्क लिखा हुआ है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच लिखी हुई है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड देन फुल स्टॉप। तो वहां पे जब सेट टू मी का यूज हो रहा होगा, वहां पे हम लोग टोल्ड का यूज करते हैं, शी टोल्ड Me. उसके बाद that और जो आपकी reported speech है उसका आप use करेंगे, ठीक है? This is very important to keep in your mind कि whenever it comes said to me, एक object के साथ अगर said आता है, to me लगा होता है, तो in place of said to me you have to write told. But if it is coming only said, then you have to use only said, no need to change anything, but it, if it is comes said to me, then you have to change into told, okay? यहाँ पे present perfect अगर कोई sentence आया है आपके पास और उसको आपको indirect way में change करना है, तो आप उसको change करेंगे past perfect में। हमेशा याद रखिए कि कभी भी कोई भी present indefinite या present perfect या present perfect प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आ रहा है आपके पास सेंटेंस और आपको उसको इनडायरेक्ट वे में चेंज करना है, तो ऑलवेज रिमेंबर उसको आप पास्ट में चेंज करेंगे। अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो पास्ट इनडेफिनेट में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल शी सेड कॉमा कोटेशन मार्क आई हैव कम्प्लीटेड द वर्क, आई हैव कम्प्लीटेड द वर्क, हैव क्या है, उसने कहा कि मैं अपना काम कंप्लीट कर चुकी हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अगर इनडायरेक्ट वे में बोला जाए, शी सेड दैट आई हैड कंप्लीटेड द वर्क। सेम उसी तरह यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की बात हो रही है,
मतलब कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, जो काम हम लोग का प्रोग्रेस में होता है, कॉन्टिन्यूएशन में होता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस आपके पास आता है तो आप उसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई हैव बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 ईयर्स। मैं 2 साल से कंपनी में, फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको पास्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड दैट शी हैड बीन, अब यहाँ पे क्या है, आई है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो कि जब हम लोग शी या ही की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अगर आई है तो यहाँ पे शी आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि आई हैव, मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे जब हम उसको थर्ड पार्टी को वही बात बोल रहे होते हैं तो शी सेड दैट शी हैड बीन, उसने ही कहा, शी हैड बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री फॉर 2 ईयर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स रिवाइज इट वंस अगेन। यहाँ पे मैंने सब एक साथ लिख लिया है, तो यहाँ पे बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट को चेंज कर देंगे पास्ट इंडेफिनेट में। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मीन्स कॉन्टिन्यूएशन में जो काम चल रहा है उसको हम चेंज कर देंगे पास्ट प्रोग्रेसिव में। प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव विल चेंज इन टू पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो आप हमेशा याद रखिए, प्लीज रिमेंबर इट, इफ यू आर गोइंग टू डू अ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सो इफ सम सेंटेंस विल कम इन प्रेजेंट टेंस, सो यू नीड टू चेंज इन टू पास्ट टेंस। ऑल राइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी नीड है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके ही आगे का जो पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।